Hello friends, welcome back to my channel. According to section 35 subsection 5 of the CGST Act, every registered person जो कि registered है GST के अंदर, उसको GST audit करवाना compulsory है अगर उसका turnover during the financial year 2017-18 दो करोड़ रुपए से ज्यादा का हो जाता है. अब जो turnover word definition में use हुआ है उसको लेकर काफी confusion है. कुछ लोग जानना चाहते हैं कि क्या petrol और diesel भी इस word में include होंगे, या फिर कुछ लोग जानना चाहते हैं कि क्या branch transfer और stock transfer भी इसमें include होंगे. कुछ जानना चाहते हैं कि अगर उनकी सिर्फ exempt supplies हैं, taxable supplies नहीं हैं, पूरी तरह से exempt supplies में deal करते हैं, तो क्या फिर उनको भी GST audit करवाना होगा. तो इन्हीं सब छोटे-छोटे प्रश्नों का उत्तर जानेंगे हम आज इस वीडियो में. अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. तो फ्रेंड्स, जो वर्ड यूज हुआ है एग्रीगेट टर्नओवर, उसे कैसे कंप्यूट करना है आइए देखते हैं. एग्रीगेट टर्नओवर मींस द वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाइज व्हिच इज लिवेबल टू टैक्स अंडर जीएसटी एक्ट. जो भी आपकी टैक्सेबल सप्लाइज हैं वो सब आपको ऐड करनी है एग्रीगेट टर्नओवर निकालने के लिए. इसके बाद सेकेंड है एग्जेम्प्ट सप्लाइज. जो भी आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाइज हैं वो भी आप ऐड करेंगे एग्रीगेट टर्नओवर में. अब ये जो वर्ड है एग्जेम्प्ट सप्लाई, ये देखने में बहुत छोटा सा लग रहा है, लेकिन अगर हम इसकी डेफिनेशन के अंदर जाते हैं तो इसका एरिया काफी वाइड हो जाता है. सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट डिफाइन करता है एग्जेम्प्ट सप्लाईज को. और एग्जेम्प्ट सप्लाईज में हमारा क्या क्या आ जाता है, निल रेट ऑफ टैक्स, जो भी गुड्स और सर्विसेज निल रेट ऑफ टैक्स के अंदर आते हैं, या फिर जो कि होली एग्जेम्प्ट है फ्रॉम टैक्स से अंडर सेक्शन 11 या फिर अंडर सेक्शन 6 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, वो सब एग्जेम्प्ट सप्लाईज के अंदर आते हैं. और इसके अलावा यहाँ पर नॉन टैक्सेबल सप्लाईज भी इसके अंदर आती हैं, मतलब कि ये इंक्लूड करता है नॉन टैक्सेबल सप्लाईज को भी. जैसे ही इसने नॉन टैक्सेबल सप्लाईज को इंक्लूड किया तो फिर यहाँ पर नॉन टैक्सेबल सप्लाईज में हमारे क्या क्या आ गए, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और 5 तरह के स्पेसिफाइड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो गए. जैसे कि पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट यानी कि पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल. यानी कि अगर आप इन सब में भी डील करते हैं तो फिर वो भी एग्जेम्प्ट सप्लाईज के अंदर आ गए. और इन सब को भी आपको अपने टर्नओवर में ऐड करना होगा अपना एग्रीगेट टर्नओवर निकालने के लिए. तो आपको एक प्रश्न का उत्तर मिल गया कि क्या आपको पेट्रोल और डीजल को भी इंक्लूड करना है एग्रीगेट टर्नओवर में. तो हाँ, अगर आप पेट्रोल डीजल या फिर किसी भी 5 स्पेसिफाइड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो इस डेफिनेशन के अंदर दिए गए हैं उनमें डील करते हैं, या फिर आप अल्कोहल लिकर में डील करते हैं, तो फिर वो सब भी आपको एग्रीगेट टर्नओवर निकालने के लिए सब एड अप करने पड़ेंगे. इसके बाद थर्ड है हमारा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ. जो भी अगर आप एक्सपोर्ट्स करते हैं गुड्स या सर्विसेज की आउटसाइड इंडिया, तो वो भी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड होंगी. नेक्स्ट है इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ पर्संस हैविंग द सेम पैन टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस. अगर इंटर स्टेट सप्लाईज हैं और पैन नंबर सेम है तो आपको वो भी यहाँ पे इंक्लूड करना है. तो इसलिए इसमें ब्रांच ट्रांसफर और स्टॉक ट्रांसफर भी इंक्लूड हो गए. अगर आप ब्रांच ट्रांसफर या स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो भी आपको एग्रीगेट टर्नओवर निकालने के लिए ऐड करने पड़ेंगे. तो ये 4 पॉइंट्स हमने देखे जो कि हमें ऐड करने हैं अपना एग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूट करने के लिए. अब हमें इनमें से कुछ चीजें माइनस भी करनी होंगी. वो क्या क्या है, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेस. अगर आपने कोई टैक्सेस पे किए हैं तो वो आपको एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं लेने हैं. जैसे कि जो भी आपकी टैक्सेबल सप्लाईज हैं उनकी आपको टैक्सेबल वैल्यू लेनी है, इनवॉइस वैल्यू नहीं लेनी है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका 1,00,000 रुपए का कोई इनवॉइस है और उस पर 18% जीएसटी यानी कि 18,000 रुपीज टोटल वैल्यू हो गई, 1,18,000 रुपए, तो आपको 1,00,000 की वैल्यू टर्नओवर में इंक्लूड करनी है. जो जीएसटी का अमाउंट है 18,000 वो आपको इंक्लूड नहीं करना है. इसके अलावा वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्सेस पेबल बाय पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, तो ये वाली सप्लाईज भी आपको एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करनी है जिन पर कि आपने आरसीएम पे किया था. अब इसके बाद एक बहुत बड़ा प्रश्न ये आता है कि एग्रीगेट टर्नओवर हमें कब से कब तक का लेना है, क्योंकि जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था 1 जुलाई से, तो जो हमारे अप्रैल, मई, जून 3 महीने का जो हमारा टर्नओवर था, क्या वो भी हमें लेना होगा जीएसटी ऑडिट के लिए.
तो पहले साल की ऑडिट के लिए हमें सिर्फ 9 महीने का डाटा चाहिए होगा, यानी कि जुलाई से लेकर मार्च तक का, जुलाई 17 से मार्च 18 तक का ही डाटा जाएगा जीएसटी ऑडिट के लिए, जो कि पहले साल की ऑडिट है, क्योंकि जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था 1 जुलाई से, और अप्रैल मई जून का डाटा हमें इसमें नहीं लेना है। एग्रीगेट टर्नओवर को और अच्छे से समझने के लिए आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एक कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड है 3 डिफरेंट स्टेट्स में, यानी कि मान लेते हैं कि दिल्ली, हरियाणा और पंजाब हमने आर्बिट्ररी स्टेट्स ले लिए, और सेम पैन पर रजिस्टर्ड हैं। इनकी टैक्सेबल सप्लाइज भी हैं, एग्जाम सप्लाइज भी हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंटर स्टेट सप्लाइज भी हैं। टोटल टर्नओवर जो दिल्ली ब्रांच है उसका है 1 करोड़ रुपए, जो हरियाणा ब्रांच है उसका भी है 1 करोड़ रुपए, और जो पंजाब ब्रांच है उसका है 10 लाख रुपए। अब यहाँ पर अगर हम तीनों स्टेट्स को हम अलग अलग देखें तो यहाँ पर कोई भी स्टेट 2 करोड़ रुपए की लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहा है, लेकिन जब हम तीनों स्टेट्स का टर्नओवर ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है 2 करोड़ 10 लाख रुपए, यानी कि 2 करोड़ रुपए से एक्सीड हो गया। तो इन सारे ही स्टेट्स में जीएसटी ऑडिट करवाना कंपलसरी हो गया और इन सभी स्टेट्स को जीएसटी ऑडिट करवानी पड़ेगी। अब एक दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि इन तीनों ही स्टेट्स में टैक्सेबल सप्लाइज बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ ये एग्जाम सप्लाइज में डील करते हैं, होली एग्जाम सप्लाइज हैं, तो उस केस में भी इनका टर्नओवर 2 करोड़ 10 लाख रुपए हो गया, यानी कि 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो गया, तो इन सभी स्टेट्स को जीएसटी ऑडिट करवानी पड़ेगी, भले ही ये सिर्फ एग्जेम्प्ट सप्लाइज में डील करते हैं। क्योंकि जो हमने अभी अभी देखा कि जो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन दी गई है उसमें लिखा हुआ है कि एग्जेम्प्ट सप्लाइज पॉइंट नंबर 2 में, यानी कि अगर एग्जेम्प्ट सप्लाइज हैं और उनकी भी लिमिट 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा की हो जाती है तो जीएसटी ऑडिट करवाना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप नॉन टैक्सेबल सप्लाइज में डील करते हैं, यानी कि सिर्फ अल्कोहलिक लिकर या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में डील करते हैं और टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो जाता है, तो आपको उन सभी स्टेट्स में जीएसटी ऑडिट करवाना पड़ेगा जिन स्टेट्स में आप गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो कि एग्रीगेट टर्नओवर कैसे कंप्यूट करना है। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।